चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र वार्षिकांक 2019 वाले। तो आपको अभी तक बता दें, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं हम लोग। आर्थिक परिदृश्य में हम लोग केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय आय, ये सभी देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना जितने भी लेक्चर बन रहे हैं से संबंधित वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, वो अपना है प्लेलिस्ट सूची में समसामयिक की घटनाचक्र 2019 के नाम से। ठीक, देखते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2019-20 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 23 अक्टूबर 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 सत्र की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है, जिसका विपणन वर्ष 2020-21 में होगा। वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से किसानों को औसत उत्पादन लागत पर 50% से ज्यादा प्रतिफल रिटर्न कुसुम को छोड़कर मिलेगा। ठीक है, देश में भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में गेहूं के लिए प्रतिफल 109%, जौ के लिए 66% तथा चना के लिए 74% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि मसूर 325 रुपये प्रति क्विंटल के लिए की गई है। वहीं सबसे कम वृद्धि गेहूं तथा जौ में प्रत्येक 85 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। कुसुम 270 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना के लिए 255 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात कर लेते हैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो गेहूं की बात करें, उत्पादन लागत विपणन वर्ष 2020-21 रुपये प्रति क्विंटल में, और यहाँ दिया गया वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए MSP रुपये प्रति क्विंटल, फिर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए MSP रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो इस 923 यहाँ 1840 1925 जौ के लिए उत्पादन लागत विपणन वर्ष प्रति क्विंटल 919, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए MSP 1440 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए MSP 1525 रुपये। चना है उत्पादन लागत विपणन वर्ष 2020-21 में तो 2801 रुपया प्रति क्विंटल, और इसका वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए MSP 4620 रुपया, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4875 रुपया। मसूर का इसी प्रकार 2727 रुपये प्रति क्विंटल, यहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए MSP 4475 रुपये प्रति क्विंटल, और 19-20 के लिए 4800 रुपये प्रति। रेपसीड और सरसों की बात करें तो विपणन लागत 2323 और MSP 18-19 में 4219-20 में 4425। कुसुम के लिए 3470 है उत्पादन लागत विपणन वर्ष 2020-21 में, और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए MSP 4945 रुपये प्रति क्विंटल, और 19-20 के लिए 5215 5215 प्रति क्विंटल। बात करते हैं 20वीं पशुधन गणना। 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना जारी की है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पशुधन आबादी गणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। अखिल भारतीय पशुधन गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पूरे देश में आयोजित होती है।
कुल गोवंशीय जैसे मवेशी, भैंस, मिथुन, याक आदि की आबादी वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन आकलित की गई है, जो विगत गणना की तुलना में लगभग 1% अधिक है। देश में मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 152.49 मिलियन है, जो विगत गणना की तुलना में 0.8% अधिक है। मादा गाय गायों की संख्या 145.12 मिलियन आकलित है, जो विगत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। देश में भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है, जो वर्ष 2012 की तुलना में 1% अधिक है। पशु संख्या का विवरण देखें, ठीक है। प्रमुख प्रजातियों का हिस्सा तो याद रखना, सबसे ज्यादा भैंस, मवेशी सबसे ज्यादा है, फिर बकरी है, मवेशी 35.94%, बकरी है 27.80%, और भैंस है 20.45%, भेड़ है 13.87%, ठीक है। फिर सुगर है 1.69%, अन्न में है 0.23%। 5 राज्यों की पशुधन संख्या वर्ष 2012 से 19 के बीच, उत्तर प्रदेश की बात करें 2012 में 68.7 मिलियन में, जो 2019 में पहुंचा है 67.8 मिलियन। परिवर्तन हुआ है इसमें, एक माइनस घटी है, ठीक है, कमी हुई है, -1.35%। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 57.7% था 12 मिलियन, 57.7 मिलियन था 2012 में, जो 2019 में पहुंचा है 56.8 मिलियन। यहाँ -1.66 की कमी हुई है प्रतिशत की। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2012 में 36.3 मिलियन थे, जो 2019 में पहुंचा है 40.6 मिलियन, 11.81% की वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में 30.3 मिलियन में थी 2012 में, 2019 में पहुंचा है 37.4 मिलियन, तो यहाँ 23.32% की वृद्धि हुई है। बिहार में ऐसा ही 32.9 मिलियन था 2012 में, 36.5 मिलियन पहुंचा है 2019 में, 10.67% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं खरीफ फसलें प्रथम अग्रिम अनुमान 2019-20। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2019 को वर्ष 2019-20 हेतु प्रमुख फसल खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। जारी किए आंकड़ों के अनुसार चावल और दलहन के उत्पादन में संभावित गिरावट की वजह से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में थोड़ी कमी के साथ 140.57 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन 140.57 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत वर्ष 5 वर्षों में दर्ज किए गए औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 8.44 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 100.35 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों में यह 102.13 मिलियन टन अनुमानित था। चावल उत्पादन का वर्तमान अनुमानित विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन का 93.55 मिलियन टन की तुलना में 6.80 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान खरीफ दलहन का कुल उत्पादन 8.23 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों की औसत उत्पादन में 7.23 मिलियन टन की तुलना में 1 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल गन्ना उत्पादन 377.77 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन 349.78 मिलियन टन की तुलना में 27.99 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान कपास उत्पादन 32.27 मिलियन गांठें होने का अनुमान लगाया गया, जो वर्ष 2019-20
18-19 में 28.71 मिलियन गांठों के उत्पादन की तुलना में 3.56 मिलियन गांठें अधिक हैं। इसी तरह वर्ष 2019-20 के दौरान जूट व मेस्ता का उत्पादन 9.96 मिलियन गांठें होने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं कृषि संगणना 2015-16 चरण फर्स्ट। भारत में प्रथम विस्तृत कृषि संगणना संदर्भ वर्ष 1970-71 के साथ विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कराई गई थी। उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कृषि संगणना कराई जा रही है। ठीक है, वर्तमान कृषि संगणना इसी श्रृंखला की 10वीं संगणना है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 की 138.35 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 146.45 मिलियन हो गई, जो कि इस 5 वर्षों की अवधि में 5.86% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत परिचालित क्षेत्र का हिस्सा विगत 5 वर्षों में अर्थात वर्ष 2010-11 के 159.59 मिलियन हेक्टर से घटकर वर्ष 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टर रह गया, जो 1.11% की कमी को दर्शाता है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश के 36 राज्यों और संघीय क्षेत्रों में से 14 राज्यों का देश की क्रियाशील जोतों की कुल संख्या में लगभग 91.01% हिस्सा है, जबकि कुल परिचालित क्षेत्र में इन 14 राज्यों का हिस्सा लगभग 88.19% है। वर्ष 15-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोतों की संख्या वाले राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश 23.82 मिलियन, बिहार 16.41 मिलियन, महाराष्ट्र 15.29 मिलियन, मध्य प्रदेश 10 मिलियन, कर्नाटक 8.68 मिलियन। वर्ष 2015-16 में देश के कुल 157.82 मिलियन परिचालित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान राजस्थान का है, जिसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील जोतों में वृद्धि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 5.86% दर्ज की गई है। राज्यों संघीय क्षेत्रों में क्रियाशील जोतों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत मध्य प्रदेश में 12.74% दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 में देश के राज्यों संघीय क्षेत्रों में क्रियाशील जोतों का सर्वाधिक औसत आकार नागालैंड 4.87 हेक्टर में तथा न्यूनतम औसत आकार केरल में 0.18 हेक्टर, उत्तर प्रदेश में यह 0.73 हेक्टर है। बात करते हैं बागवानी फसलों के बारे में। तृतीय अग्रिम अनुमान 2018-19। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 29 अगस्त 2019 को बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अग्रिम अनुमान तथा वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल अनुमानित उत्पादन 313.85 मिलियन टन है, जो वर्ष 2017-18 के उत्पादन की तुलना में 0.69% अधिक है। वर्ष 2018-19 में फसलों का उत्पादन लगभग 98.57 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 1.21 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 में सब्जियों का उत्पादन लगभग 185.88 मिलियन टन होना अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के अनुमान उत्पादन की तुलना में लगभग 0.81% अधिक है। प्याज का उत्पादन लगभग 23.48 मिलियन टन अनुमानित है, यह वर्ष 2017-18 में प्राप्त अनुमान की तुलना में 0.95% अधिक है।
आलू का उत्पादन लगभग 53.03 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत वर्ष के तुलना उत्पादन की तुलना में 3.4% अधिक है। टमाटर का उत्पादन लगभग 19.39 मिलियन टन अनुमानित है, यह वर्ष 2017-18 के उत्पादन की तुलना में 1.8% कम है। मसालों का उत्पादन वर्ष 2018-19 में लगभग 9.22 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में उत्पादन से अधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि उत्पादन वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान। कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त 2019 को वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। वर्ष 2018-19 के लिए जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 284.95 मिलियन टन है अनुमानित है। यह विगत 5 वर्षों की औसत खाद्यान्न की तुलना में 19.20 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान चावल के कुल उत्पादन में रिकॉर्ड 116.42 मिलियन टन अनुमानित है। यह वर्ष 2017-18 के उत्पादन की तुलना में 3.66 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 में गेहूं का उत्पादन 102.19 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त उत्पादन का 99.87 मिलियन टन की तुलना में 2.32 मिलियन टन अधिक है। दलहनों की बात करें तो दलहनों का कुल उत्पादन 23.40 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है। 18-19 की अवधि में गन्ने का उत्पादन 400.16 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत जो वर्ष 2017-18 की तुलना में 20.25 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान कपास का उत्पादन 28.71 मिलियन गांठ प्रति 140 किलोग्राम पर अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में पटसन मेस्ता का उत्पादन 9.77 मिलियन गांठे अनुमानित है। अब बात करते हैं खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 19-20 में। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 जुलाई 2019 को वर्ष 2019-20 हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रुपये प्रति क्विंटल तक, ज्वार का 120 रुपये प्रति क्विंटल तक, रागी का 253 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तथा सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः 200 रुपये एवं 311 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार ने तूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपये और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाए जाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा भारत द्वारा वर्ष 2018 को राष्ट्रीय ज्वार वर्ष के रूप में मनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। वर्ष 2019-20 सीजन की सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है। एमएसपी ये 18-19 का है, 19-20 का, ठीक है, याद रखिए। धान का सामान्य धान का 18-19 के लिए 1750 रुपये प्रति क्विंटल और 19-20 के लिए 1815। धान किस्म ए का 1750 और 1835, याद रखना ये 18-19 का है, ये 19-20 का। ज्वार संकर 2300, 2430 और 2550। ज्वार 2450 18-19 के लिए और 19-20 के लिए 2570। बाजरा 1950 और 2000। रागी 2897 3150। मक्का 18-19 के लिए 1700 और 19-20 के लिए 1760। तुअर अरहर तूर आर 5675 18-19 के लिए और 5800 19-20 के लिए। मूंग 18-19 के लिए 6975 और 19-20 के लिए 19-20 के लिए 7750, ठीक है, 7750। उड़द के लिए 5600
और 5700, मूंगफली के लिए 4890 है, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए 5090, सूरजमुखी बीज 5388 और 5650, सोयाबीन पीला के लिए 3399 2018-19 में और 20 के लिए है, 19-20 के लिए 3710, कपास मध्यम रेशा 18-19 के लिए 5150 और 19-20 के लिए 5255, कपास लंबा रेशा 18-19 के लिए 5450 और 19-20 के लिए 5550, ठीक है। चलिए तो ये था कृषि से संबंधित, अब बात करेंगे हम लोग उद्योग क्षेत्र से संबंधित, ठीक है आगे, ठीक है उद्योग क्षेत्र को देखेंगे।